अलमेकम dear स्टूडेंट्स आज हम किताबों को देखने जा रहे हैं और उनके उन characters को देखने जा रहे हैं जो कि चार से छः साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही important हैं सो so, हम ये देखेंगे कि चार से छः साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जब हम किताबों की सिलेक्शन करते हैं तो किताबों में कौन से कंटेक्चुअल एट्रीब्यूट होने चाहिए जिससे बच्चों की एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग उस किताब से हो सके और उस किताब को बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ सकें तो हमारे पास सबसे इम्पॉटेंट चीज़ आती है कि उस किताब के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं दे शुड बी परसोनीफाइड और किताब के अंदर प्लॉट ऐसा हो जो बच्चों को किसी एडवेंचर पर ले जाए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परसोनीफाइड कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए तो ये तो आप जानते ही हैं परसोनीफाइड कैरेक्टर्स किसको कहते हैं जो ह्यूमन लाइक एक्ट करते हैं पर वो ह्यूमन नहीं होते सो so, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं वो कोई सुपर चीज़ें भी हो सकती हैं या वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि जानदार ना हो लेकिन दे आर एक्टिंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग लाइक अ चाइल्ड सो वो पर्सोनिफाइड करेक्टर बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं बिलखसूस चार से छह साल तक के बच्चों के लिए उनकी कहानी की किताबों में जो बच्चों की तरह एक्ट करें और उन बच्चों को आ, ऐसे लगे कि ये उनके दोस्त हैं या ये वो करेक्टर खुद हैं सो इन करेक्टर्स के अंदर वही एनर्जी होनी चाहिए जो बच्चों में है सो so, बच्चों में क्या होता है क्यूरोसिटी होती है सो करेक्टर शुड बी क्यूरियस बच्चे सवाल करते हैं उस कैरेक्टर को भी सवाल करने चाहिए बच्चे सर्च आउट करते हैं तो उस कैरेक्टर को भी सर्च आउट करने चाहिए बच्चे जानना चाहते हैं उस कैरेक्टर को भी कुछ जानना चाहिए बच्चे अनथ्यूजियास्टिक होते हैं उस कैरेक्टर को भी अनथ्यूजियास्टिक होना चाहिए इमेजिनेटिव होना चाहिए और सिंसियर और डायनामिक होना चाहिए उसके अंदर एक्शन होना चाहिए और उसे चीज़ों को ऐसे ही एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को जैसे कि बच्चे एक्सप्रेस करते हैं इसीलिए हम कह रहे हैं वो सिंसियर हो वो उनकी एज के मुताबिक हो वो उन फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस करें जैसे बच्चे करते हैं ना कि बड़े करते हैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं करेक्टर के अंदर स्पेशली पर्सोनिफाइड करेक्टर के अंदर जो कि मौजूद है अगली इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि पर्सोनिफाइड करेक्टर में बच्चा जब एक हीरो को देखता है तो एक्चुअली वो हीरो को नहीं देख रहा होता उसमें वो अपने आप को देखना शुरू कर देता है और वो एडवेंचर जो हीरो कर रहा होता है बच्चा उसी एडवेंचर पे चलना शुरू कर देता है इसलिए आ, वो कैरेक्टर एक्स्ट्रा होना चाहिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए रिडिकुलस होना चाहिए और स्टॉनिशिंग होना चाहिए अगर उसमें फन नहीं होता तो बच्चे उसको इंजॉय नहीं करते सो so, हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप को हीरो की जगह पे रिप्लेस कर लेता है और वो समझता है कि इस एडवेंचर पर मैं जा रहा हूँ कि तब हो सकता है कि जब उस बच्चे को उस किताब में हीरो की जगह अपनी फीलिंग्स नजर आए या वो हीरो वैसी गेम्स खेलता हो जैसे इस उम्र के बच्चे खेलते हैं और वो एक्साइटेड हो जाता हो किसी भी नई चीज़ को देख के जैसे ये बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं आ, वो एक अनसर्टन सिचुएशन पे दिल खोल के हंस सकता हो जैसे कि बच्चे खुद हंसते हैं और वो नई नई चीज़ें देखना जानता हो वो सवाल करता हो उन चीज़ों के ऊपर जो उसको समझ में नहीं आ रही हो और वो करेक्टर भी हैरान होता हो और वो करेक्टर जो है वो बच्चों की तरह डिफरेंट फैक्ट्स को देखे और उसको इंजॉय कर सकता हो तो बच्चे उस करेक्टर से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं अब अगली चीज़ आ जाती है हमारे सामने एडवेंचर सो so, एडवेंचर के अंदर आप ये ज़रूर याद रखें कि बच्चों को एडवेंचर पर लेके जाने के लिए वो भी कहानी की किताब में उस किताब के अंदर फन ज़रूर होना चाहिए जिससे बच्चे इंजॉय करें उसको देख के कह के लगाए और उसको देख के एक्साइटेड हों सो आप जब एक इमेजनरी जर्नी सेटअप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है और मिस्ट्री का होना बहुत ही जरूरी होता है सो so, करेक्टर को एक एक्साइटमेंट एक मिस्टीरियस एक इंटरेस्टिंग रोल के अंदर जाना है जिसके साथ बच्चा उसके साथ साथ उस जर्नी में शामिल होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं दो से लेकर छः साल तक की बच्चों की किताबों में जिनको हमें देखना पड़ता है ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और फिर बार बार पढ़ते हैं